यूक्रेन जंग के 97वें दिन बीत चुके हैं। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी शहर सेवरोडोनेटस्क में एक केमिकल प्लांट पर हवाई हमला किया है। इस प्लांट में मौजूद नाइट्रिक एसिड के एक टैंक पर हमला हुआ। लुहानसक के गवर्नर सरगई गेडे ने बताया कि रूसी सैनिकों ने केमिकल प्लांट के टैंक पर हमला किया। बॉलीवुड सिंगर केके का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद 53 साल की उम्र में निधन हो गया। परफॉर्मेंस के बाद वह होटल पहुंची और उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें CMRI हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर के डोडा में SIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की पहचान अब्दुल राशिद कोड के रूप में हुई है, जिसने डोडा और आसपास के इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। अभी भी वह हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकियों के संपर्क में था। राशिद को तंतना घाट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 2,500 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 2,784 लोगों की कोरोना वायरस पर पॉजिटिव आई है। वहीं 2,236 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 53,28,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 63,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.83 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन से बाहर हो गए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन जोकोविच को लाल बजरी के राजा कहे जाने वाले राफेल नडाल ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 से हराया। इस जीत के साथ ही नडाल टेनिस के मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनका सामना 3 जून को तीसरी सीड अलेक्जेंडर जेवेरेव से होगा। LPG सिलेंडर की नई कीमत जारी हो गई है। बुधवार को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 135 रूपए सस्ता हो गया है। नई कीमत जारी होने के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम 2,219 रूपए, कोलकाता में 2,322 रूपए, मुंबई में 2,171.50 रूपए और चेन्नई में 2,373 रूपए प्रति सिलेंडर हो गयी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि देशवासियों को चिंता की जरूरत फिलहाल नहीं है। केंद्र सरकार ने टैक्स में कमी के साथ ही जनता को पहले ही राहत दे दी है। वहीं कई राज्यों ने भी टैक्स में राहत दी है। 21 मई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा वाहन ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया था, जिसके बाद पेट्रोल 9.5 रूपए और डीजल 7 रूपए प्रति लीटर सस्ता हो गया था। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को मामूली बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 21 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,588 पर और निफ्टी 9 पॉइंट की बढ़त के साथ 16,594 पर खुला।